ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो जिनका मेरे पास जवाब नहीं? परेशान हूँ, खैरियत है, कोई जवाब नहीं मेरे पास। ऐसा क्या सोच रही हो? हाँ, क्यों इतनी उलझी हुई हो तुम? मैं क्या सोच रही हूँ बानू? सोच रही हूँ मुझे बासित की जरूरत नहीं है, मैं रह सकती हूँ उसके बगैर। ना मुझे जरूरत है और ना इस बच्चे को। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ जब ये पैदा होगा और बड़ा होगा और मुझसे सवाल करेगा कि इसका बाप कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगी? हमें तो बाप का प्यार नसीब नहीं हुआ, छोटी सी तो थी हम जब बापू चले गए, और अब मेरा बच्चा भी बाप के प्यार से महरूम हो जाएगा। ऐसा तो मत कहो, बासित को अल्लाह लंबी उम्र दे, उसे कुछ भी नहीं होगा। बासित बहुत प्यार करेगा अपने बच्चे से, क्यों होगी उसे किसी की महरूमी? बासित किसी चीज की कमी थोड़ी होने देगा उसे। अगर हम साथ तो नहीं है, जानती हो उसने मुझे बुलाकर क्या कहा? क्या कहा है बासित? उसने मुझे बराबरी का हक दे दिया, उसने लिख के मुझे खुला का हक दे दिया, आजाद कर दिया। सबने भाना आ गया उसे। अब जब हमारा रिश्ता टूट रहा है, हमारा साथ छूट रहा है, उसने मुझे अपने बराबर खड़ा कर दिया। अब वो वैसा बन गया जैसा मैं हमेशा चाहती थी वो बन जाए। अब क्यों मानो? जो तुम चाहती हो, जब ऐसा फैसला कर रही हो तो फिर घबरा क्यों रही हो? और तुम अकेली नहीं हो, हम सब हैं तुम्हारे साथ। माँ, कभी कभी सबका साथ होते हुए भी ना उस एक इंसान की कमी जिंदगी भर महसूस होती है। आयशा, ये जिंदगी तुम्हारी है ना, तो मर्जी भी तुम्हारी ही होगी। तुम फैसला अपनी ही मर्जी से करोगी। बस बड़ी बहन होने के नाते मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि माफ करने वाला सजा देने वाले से बड़ा होता है। आना, मुझे मेरे हाल पे छोड़ सकती हो प्लीज? हाँ ठीक है, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, बस हम ये चाहते हैं कि तुम खुश रहो और तुम आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। आयशा, आयशा इससे पहले क्या कभी हमारे सामने मुश्किलें नहीं आई? आई है ना, अगर उन सब से हम निकले हैं ना, क्योंकि हमारे पास एक दूसरे का साथ था, आज भी हम साथ हैं। आराम करो तुम।